हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया से होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए फिर से एक और नया ब्लॉग वीडियो लेकर के आई हूँ। काफ़ी टाइम से मैं आप लोग के साथ ब्लॉग वीडियो शेयर कर रही हूँ और आने वाले कुछ टाइम वीडियोज़ में आप लोग को एक से दूसरे वीडियो में आप लोग को मेकअप वीडियो देखने को मिलेगा। अभी बता दिया है मैंने आप लोग को, तो अगर आप लोग को मेकअप वीडियोज़ देखना इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। फिलहाल अभी कुछ टाइम से मैं आप लोग के साथ जो है ब्लॉग वीडियो शेयर कर रही थी। पिछली नवरात्र मतलब ये जो नवरात्रे भी गए हैं, आप लोग कैसे बीते नवरात्रे ये तो मुझे आप बताना, ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोग के नवरात्रे कैसे रहे। तो और अब मैंने आप लोग के साथ जो ब्लॉग शेयर किया वो आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत प्यार किया उस नवरात्रि वाले ब्लॉग को। और चैलेंज जो लिया था वो भी मैंने पूरा कर दिया था। एक पल के लिए मुझे लगा था मैं पूरा नहीं कर पाऊँगी, मैं हार जाऊँगी, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी और आप लोग के सपोर्ट के साथ मैंने वो चैलेंज पूरा कर लिया। 9 दिन के 9 ब्लॉग शेयर किया और मैं कल भी ब्लॉग शेयर करने वाली थी, बट जो है मैं बाहर चली गई थी और मैं उसके से थक गई थी बाहर जाने की वजह से। और फिर मैं जो है लेट भी आई थी घर पे, तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, तो फिर मैंने जो है वीडियो नहीं शेयर किया। दशहरा देखने चली गई थी तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं अब कल वीडियो शेयर कर दूँगी। तो आज जो है मैं आप लोग के साथ एक और नया व्लॉग वीडियो शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली ड्राफ्ट व्लॉग वीडियो है। मैंने ना पिछला संडे जो गया था नवरात्रि से एक दिन पहले, तो आप लोग को याद होगा ये साड़ी के साथ मैंने एक व्लॉग जो है शेयर किया था। तो उसी दिन ना हमारे घर में एक ऑर्डर आया था। ऑर्डर क्या था? वेकफिट का जो है गद्दा आया था। तो वही मैंने ना शूट करके रख लिया था कि मैं जो है आप लोग के साथ नेक्स्ट डे शेयर करूँगी, बट नवरात्रि शुरू हो गए, फिर मैंने चैलेंज ले लिया, फिर मैंने जो है वीडियो आप लोग के साथ डेली 9 के 9 दिन जो है नवरात्रि का व्लॉग शेयर कर दिया, तो फिर ये वाला वीडियो देख मतलब शेयर करने का टाइम ही नहीं मिला। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरा जो गद्दा था ना, जो अब इससे पहले जो गद्दा था वो ख़राब हो चुका था पूरा, और उस गद्दे को टोटल 5 साल हो गए थे। शादी पर जो है शादी के टाइम पे मुझे वो गद्दा मिला हुआ था। तो ये गद्दा एक्चुअल में ख़राब कैसे हुआ, जब मेरी प्रेगनेंसी हुई उसके बाद लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, उस समय मैं जॉब करती थी, तो मेरे वेट से क्योंकि बैठे बैठे गद्दा पूरा बैठ गया था मेरा, और जो मतलब मेरा भी इस वजह से मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो गया था, क्योंकि मैं दिन भर जो है गद्दे पे बैठ करके मैं वर्क फ्रॉम होम लैपटॉप चलाती रहती थी, काम करती रहती थी। इवन तो कभी कभी ऐसा होता था सुबह 10 बजे से बैठती थी, रात के 11 बजे तक मैं बैठी रह जाती थी काम करते करते। तो यही रीज़न था जो मेरा गद्दा ख़राब हो गया। पूरी प्रेगनेंसी मैंने वर्क फ्रॉम होम उसी गद्दे पे बैठ करके किया है, तो इस वजह से मेरा गद्दा ख़राब हो गया। और आफ्टर डिलीवरी मेरा जो है, हम लोग गद्दा काफ़ी टाइम से लेना चाह रहे थे, आफ्टर डिलीवरी में क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन रहने लग गया, हद से ज़्यादा रहने लग गया, और जो है उसकी वजह से मैं सो भी नहीं पाती थी। तो इसलिए मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी गद्दा लेने का, तो हम जो है वेकफिट का गद्दा फाइनली ले लिया हमने, क्योंकि हमें जब गद्दा लेना है और अच्छे से मतलब अच्छी जगह मतलब अच्छा गद्दे पे हम इन्वेस्ट करें जो काफ़ी लंबे टाइम तक चले, क्योंकि ये सब चीज़ें बार बार नहीं खरीदी जा सकती है। तो इसलिए मैंने अच्छी जगह मतलब जो वेकफिट का जो गद्दा है उसका स्पेशली क्या है रीज़न लेने का मैं बताती हूँ आप लोगों को। पहली बात, ये 10 साल की गारंटी वारंटी दे रहे हैं, गारंटी है आई थिंक सो 10 साल की है कि अगर गद्दा आपका ख़राब हो जाता है तो आप जो है एक्सचेंज करा सकते हो। इवन 100 दिन का भी वारंटी है कि मतलब या गारंटी वारंटी में मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ, वो आप लोग देख लेना, बट मैं जो बता रही हूँ वो सही बता रही हूँ कि 100 दिन में भी आप एक्सचेंज कर सकते हो, और रिटर्न भी है शायद कि अगर आपको गद्दे पे आपको कंफर्ट नहीं फील हो रहा या आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप जो है रिटर्न करा सकते हो या एक्सचेंज करा सकते हो, या आपके बेड के साइज़ के अकॉर्डिंगली नहीं है तो आप 100 डेज में आप चेंज करा सकते हो। और अगर आपका 100 डेज पूरा हो जाता है, 10 और 10 साल के अंदर अंदर आपका गद्दा ख़राब हो जाता है, बैठ जाता है, तो वो आप एक्सचेंज करा सकते हो, ये चीज़ है। तो ये गद्दा हमने वेकफिट का लिया, बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो जब ये आया ना तो हमें लगा था कि ये साइज़ जो है गद्दे का और हमारे बेड का बिल्कुल भी मैच नहीं करता, बहुत छोटा आ गया है गद्दा, बट बाद में जो गद्दा है वो हमारे बेड के अकॉर्डिंगली ही हो गया, क्योंकि वो पन्नी जब खुली तो वो पूरा गद्दा फूल गया, और ये बहुत अच्छी बात है। तो इस बार जो है हमने सिंगल बेड का नहीं लिया है, अलग अलग गद्दा नहीं लिया, एक ही में गद्दा ले लिया, यानी कि सिंगल बेड सिंगल गद्दा डबल बेड का ले लिया है हमने। हाँ, यही समझ सकते हो आप कि मतलब जो पहले आपने देखा होगा अलग अलग गद्दा था, वो अब एक ही है और वो भी डबल बेड का है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और मैं इसलिए कूद रही हूँ क्योंकि मेरे घर में जो है ना मेरे भाई बहन जो मेरे शिवम जो है, ये मेरा भाई है, सगा भाई है,
और सत्यम, स्वाति जो मेरे चचेरे भाई बहन है, और रूपल भी आने वाली थी जो मेरी सगी बहन है, तो वो सब आ रहे थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि वो लोग ऐसे भी बहुत कम आते, क्योंकि वो सब अपने अपने लाइफ में थोड़े बिजी हो गए हैं। रूपल अपना काम करती है, स्वाति और सत्यम जो है स्कूलिंग करते हैं, और शिवम भी अपना काम करता है। तो इस वजह से जो है वो लोग बहुत कम आते हैं, तो मैं उनको देख के बहुत खुश हो गई। और जो है शिवम आया तो उसने भी हेल्प कर दिया गद्दा वगैरह फुलाने में, और उसने भी रिसेंटली में आईफोन लिया था तो वो मुझे दिखा रहा था। तो वो भी आकर, वो वैसे मेरे वीडियोस में नहीं आता रहता है, बट वो फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो में आया है और मैं बहुत खुश हो रही थी इस बात को लेकर के। हेलो बोल दो, पहले बोलो हेलो, बोलो हेलो, हेलो कर दो, पन्नी वन्नी समेटो सारा। नेहल हेलो कर दो, नेहल नेहल नेहल, और ये दोनों गद्दे भी डालो, और WWE हुआ करेगा नेहल नेहल के साथ। हेलो कर दो, चॉकलेट लाऊंगा। हेलो कर दो, हेलो कर दो, जल्दी बोलो हेलो। अरे बड़ा आ गया लेकिन, बोलो मामा तो नेहल की आदत है बहुत टाइम में वो बिल्कुल शांत हो जाती है, वो नहीं बोलती है, मतलब हम लोग कितना भी कोशिश कर ले। और अभी जो इस वीडियो में ना बोलने का रीज़न था, वो स्वाति पीछे खड़ी थी, उसकी मौसी, तो उसको मौसी के साथ खेलना था इसलिए वो बोल नहीं रही थी। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि सबके सब आ रखे हैं, गद्दा भी आ गया, मेरा गद्दा भी चेंज हो गया। और स्पेशली थैंक यू मेरे हस्बैंड को है, क्योंकि उन्होंने ये सब चीज़ें नोटिस की और सेल में देखा कि पैसे जो इसका जो है प्राइस मतलब हम लोग के बजट में है, तो फिर हमने ले लिया। और अभी जो है मैं यहाँ पे बेडशीट, सिंगल बेडशीट बिछा रही हूँ, मतलब सिंगल इन द सेंस इसके नीचे पहले मैं दरी बिछाया करती थी, मेरा जो दूसरा वाला गद्दा था जो पुराना वाला, पर अभी जो है मैं ऐसे ही मतलब सिर्फ बेडशीट बिछा ले रही हूँ। देखना चाह रही थी कि ऐसे में बेडशीट रह रहा है कि नहीं रह रहा, बट मुझे अगले दिन जो है मुझे दरी बिछानी पड़ेगी, क्योंकि बेडशीट जो है और भी ज़्यादा खिसक रही थी, तो इसलिए मुझे दरी के ऊपर ही चादर बिछाना मतलब सही लगा। और मैंने फिर बाद में दरी के ऊपर ही चादर बिछाया, बहुत मतलब सही से टिक जाता है। और मैं बार बार बैठ के देख रही थी कि कैसा है, बहुत ज़्यादा कम्फर्ट है। अगर आपको बैक पेन रहता है तो आप डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो। और वेकफिट में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जो है आपको, मतलब ऑर्थोपेडी और जो है मतलब आपको बहुत सारी, और ये बहुत ज़्यादा गुजगुज भी है तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो अगर आपको पसंद आता है तो आप डेफिनेटली विकफिट के वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते। तो आई होप आप लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल पे बने रहें। बाय बाय फ्रेंड्स।